हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों ये वीडियो है आपको अनवेल करने के लिए, बताने के लिए मिशन रैंक वन। दोस्तों मैंने इस पर एक जुड़ा हुआ एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था। ये बहुत सिंपल सी एक बात है, यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एक एजेंडा, बहुत सिंपल सा एक आइडिया कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अपेयर होते हैं, कोई UPSC में, कोई स्टेट सिविल सर्विसेज में, RBI के एग्ज़ाम्स में, जुडिशियरी के एग्ज़ाम्स में, इकोनॉमिक सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए जा रहे हैं बच्चे। एंड वो कह रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस का कंटेंट यूज़ करते हैं, उसके कारण लेवल बिल्ड होता है, उसके कारण वो आत्मनिर्भर बनना शुरू हो जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली रैंक निकालने में बहुत इंटीग्रल एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है स्लीपी क्लासेस का मटेरियल। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर एक बात है जो दिमाग में, दिल में हम सभी के, कि रैंक वन नहीं आया अभी तक किसी का, कि रैंक पाँच, जैसे आपने शायद देखा होगा रैंक पाँच भी UPSC में और जो बहुत से सिंगल डिजिट रैंक्स हैं और वहाँ पर जो वेरियस एग्ज़ाम्स में, त्रिपुरा जो अभी सर्विसेज कंडक्ट हुई, उसके बाद बिहार जुडिशियल सर्विसेज, सब में सिंगल डिजिट रैंक तक आ गया, लेकिन रैंक वन का सपना अभी भी हमारा एक जो टारगेट है वो अभी अधूरा है। ठीक है, तो इसी को पूरा करने के लिए और हॉलिस्टिक काम करते हैं, और अफसर बनाते हैं, इतना लो कॉस्ट और इतना नो कॉस्ट कॉन्टेंट आप तक पहुँचा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में, मिशन रैंक वन की सीरीज़ में सबसे पहला जो काम है वो है, जो इसकी जो सीरीज़ है, जो मिशन रैंक वन सीरीज़ में सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो काम करने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट करंट अफेयर्स। दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा बदलाव अभी विटनेस करना शुरू करेंगे स्लीपी क्लासेस में, जिस तरह से कंटेंट आता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पहलू है जो दिन में बहुत से बच्चे जिस पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो है प्री क्योर। दोस्तों इसमें हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं, मैं आपको प्री क्योर के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले क्विक एक इतिहास देखते हैं, प्री क्योर का इतिहास क्या था। अगस्त 2018 में हमने प्री क्योर शुरू किया एंड ये जैसे प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स थे, इसी कारण दोस्तों इसका नाम भी हमने प्री क्योर रखा, क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स थे। लेकिन ग्रेजुअली हम इसको कवर करते गए, बहुत से हम यहाँ पे जो नए नए इनिशिएटिव्स लाते गए एंड ग्रेजुअली विद टाइम हमने देखा कि जैसे 2019 का प्रीलिम्स ख़त्म हुआ, उसी के नेक्स्ट वीक हमने और इवॉल्व किया अपने आप को और बदला। जून 2019 पहले ही हफ्ते से उसी के जो आगे चलते हुए हमने प्री क्योर को और हॉलिस्टिक कर दिया, उसमें मेंस का कंटेंट डालना भी शुरू कर दिया डेली। अब आपको एक प्लान के साथ हमने हर दिन एक बांध लिया था, ज्योग्राफी मंडे को थी, देन ट्यूसडे वाज फॉर हिस्ट्री, वेंसडे पॉलिटी, थर्सडे इकोनॉमी एंड फ्राइडे को आपको मिलता था एनवायरमेंट, सैटरडे साइंस एंड टेक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए था। तो हम हर दिन, हम पूरे हफ्ते का, फॉर एग्जांपल थर्सडे को मैं आपको इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पढ़ाता था, तो पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स आपको एक दिन में मिल जाते थे, हर एक सब्जेक्ट का अब आपका करंट अफेयर कवर हो रहा था वीकली। ठीक है, जैसे आपको मैंने अभी शेड्यूल बताया, उसी शेड्यूल के हिसाब से हर रोज आपको एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरे वीक का करंट अफेयर्स मिलता जा रहा था। ओके, प्री भी किया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने जो 2019 में हमने देखा कि अब प्री क्योर और हॉलिस्टिक हो गया, सब्जेक्ट वाइज हो गया। तो इसीलिए तो मैं आपको अगर बताऊं क्विकली तो क्या हुआ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो करंट अफेयर्स थे, अब वो उसमें मेंस भी कवर होना शुरू हुआ, लेकिन नाम तो हमने उसका प्री क्योर ही रखा। तो अगर इसकी एक्सेप्टेंस देखें कि कैसे बच्चों ने इसको रिसीव किया, कैसे स्टूडेंट्स ने रिसीव किया, तो स्टूडेंट्स इसको एक्सटेंसिवली यूज़ करना शुरू कर चुके थे और बहुत से जैसे ब्लॉग्स थे, टॉक्स थे, जो बच्चों ने अपने जो इवन की अपने खुद से बनाए हुए ब्लॉग्स में भी, अपने जो वीडियो जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ लोड किए, वहाँ पर सब जगह उन्होंने मेंशन करना शुरू किया कि प्री क्योर से उनकी मदद होनी शुरू हुई थी। किस तरह से वो प्री क्योर एक डायरेक्शन में डालना शुरू हो गया था कि आप अपने करंट अफेयर्स को किस तरह से मैनेज करें। उसके बाद टेलीग्राम और वेबसाइट पर भी हम अपना जो उसको डाउनलोड्स को शेयर करते रहे, हमारे 50,000 डाउनलोड्स होने शुरू हो गए थे पर फाइल, किसी किसी फाइल के जब एग्जाम की डेट नजदीक थी तो बढ़ जाता था। ठीक है, गेटिंग इट, तो 50,000 एवरेज डाउनलोड पर फाइल होना शुरू हो गया था, बहुत से बच्चे डाउनलोड करते जा रहे हैं, एक दूसरे को पास ऑन करते जा रहे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास जो फैक्ट है वो क्या था कि जो दिल्ली में जो जीरोक्स शॉप्स होती हैं, वहां पर हमारा कॉन्टेंट मिलना शुरू हुआ, क्योंकि वो कह रहे थे हमें कि आपकी कॉन्टेंट की डिमांड है। तो दोस्तों एक्सेप्टेंस और उसके बाद स्टूडेंट्स में वहाँ पर जो कंटेंट की डिमांड, तो इसीलिए अब ज़रूरी है कि और इसको आगे लेके चलें। तो नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट लेवल है, इट इज़ अबाउट इंटरलिंकिंग। दोस्तों इंटरलिंक करना ज़रूरी है, जो हम साइलॉस में ऑपरेट करते हैं कि ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट, ये मेंस ओरिएंटेड, ये इंटरव्यू। दोस्तों हॉलिस्टिकली चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, मल्टी डायमेंशनल मल्टी फेसेटेड आस्पेक्ट देखना शुरू करते हैं, चीज़ों को और ब्रॉडर परस्पेक्टिव से देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में अगर आपको सवाल पूछा जाता है तो वो ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जांपल आपको इंडस वाटर ट्रीटी पे सवाल पूछा जाएगा
तो वो हो सकता है ज्योग्राफी में आ जाए, वो हो सकता है आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाए, हो सकता है सिक्योरिटी थ्रेट में पूछ लें। तो मल्टीपल जगहों से जो आपको ये सवाल पूछे जा सकते हैं मल्टीपल तरह से। तो इसीलिए अब हम चीज़ों को भी, न्यूज़ को भी, अब वक्त आ गया कि हम न्यूज़ को मल्टी डायमेंशनल और मल्टी जो फेसेटेड आस्पेक्ट से, जो वेरियस जो जो जगहों से, वेरियस जो तरीके से जो पॉसिबल है उस न्यूज़ को इमेजिन करना, उस तरह से करना शुरू करें। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रीक्योर नहीं आएगा? जी नहीं, प्रीक्योर आएगा, प्रीक्योर विल बी देयर, लेकिन अब प्रीक्योर को और हॉलिस्टिक करते जा रहे हैं। अभी भी आपको हम PDFs अवेलेबल कराते रहेंगे प्रीक्योर्स की हमारे वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वीकली और मंथली जो सब्जेक्ट वाइज PDF आपको मिलती है वो मिलती रहेंगी। ठीक है, जैसे ये आपको फॉर एग्जांपल ये ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स इस वीक का, ये पॉलिटी का, ये इकोनॉमी का, एंड देन एनवायरमेंट एंड साइंस टेक IR, ठीक है, वो आपको वीकली 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 मिलते रहेंगे। लेकिन अब हम क्या करने की अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जो एक हम इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, जो हम शाम को एक वीडियो, हर शाम एक वीडियो अपलोड करेंगे, उस वीडियो में जिसका नाम हम क्या फाउंडेशंस पर कुछ नाम उसका है हमारा, कि फाउंडेशंस आपकी और मजबूत करें। क्योंकि दोस्तों एक हमारे पास फीडबैक भी है, बहुत बेसिक सा एक फीडबैक है कि बहुत से बच्चे, चाहे वो बिगिनर लेवल के हैं चाहे वो एडवांस लेवल के, तो सभी के पास एक जो इकलौता फीडबैक ये है कि वो इंटरलिंक नहीं कर पाते चीज़ों को। जब एक क्वेश्चन जिस तरह से उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ, जब वो दूसरी तरह से पूछा जाता है तो वो इंटरलिंक नहीं कर पाते उसको, वहाँ पे वो बदल नहीं सकते। तो इसी कारण ज़रूरी है कि ये भी काम किया जाए एंड अपनी फाउंडेशंस मजबूत की जाएँ। तो इसलिए फाउंडेशनल हम एक करंट अफेयर्स किस तरह से हम उसको डिफरेंट डायरेक्शन से देखें एक ही न्यूज़ को, उस पर काम करने का प्लान कर रहे हैं। प्रीक्योर होगा, प्रीमिक्स भी, जैसे आपको शाम को प्रीमिक्स की जो क्लासेस मिलती हैं, प्रीमिक्स में हम जो सवाल सॉल्व करते हैं हर शाम, वो प्रीमिक्स भी चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आइडिया बहुत सिंपल है। आइडिया क्या है, इट इज़ टू इंटरलिंक करना सीखते हैं न्यूज़ को। और जो आप वीकली, हम आपको वीकली जो आप PDFs हमारे जो भी होंगे वेबसाइट पर संडे के संडे अपडेट हो जाएंगे पूरे वीक के, आप वहां से वेबसाइट पे डाउनलोड कीजिए प्रीक्योर के जो हमारे PDFs हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कीप प्रिपेयरिंग योर नोट्स। तो ये नोट्स बनाना ज़रूरी, नोट्स में लगाना कंटेंट को ज़रूरी। कंटेंट बनाने में हम कोई यहाँ पर कैसे भी तरह की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं देते। क्वालिटी कंटेंट है आपकी बहुत सारी मेहनत को हम चाह रहे हैं कि जिसकी जिसका पोटेंशियल जो आपका बिल्ड होता जा रहा है उसका हमें कुछ फल मिले एंड उसका कोई फ़ायदा हो जो पोटेंशियल बिल्ड होने का, ताकि जो इतनी अनंत जो रिसोर्सेज, अनंत जो मेहनत जो आप करते जा रहे हैं वो ऐसा ना हो जाए कि बस एक मोनोलिथिक सी और एक ऐसी तैयारी है जहाँ पर हम इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर एकदम से कुछ पैटर्न बदले या एकदम से वहाँ सवाल की शक्ल बदले तो हम वहाँ पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वक्त के साथ साथ थोड़ा और अपने आप को इवॉल्व करें एंड बच्चों को भी साथ साथ में लेकर चलें। तो यही एक छोटा सा एक मेरा एजेंडा था। अगर रैंक वन निकालना है हमें कंसिस्टेंटली वेरियस एग्जाम्स में, तो ज़रूरी है बच्चों को बताएं कि करंट अफेयर्स कैसे साथ साथ लेकर चलना है। फाउंडेशन जो है हमारी जो न्यूज़, हम उसको फाउंडेशन पर जाके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे भी उसको डिफरेंट डायरेक्शन से देखना शुरू करें। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपको बताने का कि मिशन रैंक वन कि कैसे आएगा रैंक वन। और देखते रहिए, और भी मैं आपको आने वाले जो दिनों में प्लान बताने वाला हूँ। हम सिंपल सिंपल प्लान बनाते जा रहे हैं, एग्जीक्यूट करते रहेंगे और बच्चों का लेवल और बच्चों की जो मेहनत है उसका, ताकि रंग वहाँ पर दिखाई दे, तो उस पर हम काम करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय।